बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन बॉक्स में खुश आमदीद दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं, इलेक्शन बॉक्स में हम पाकिस्तानी इलेक्शंस के रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी लाजमी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आप लोगों तक हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आसानी से पहुँचती रहें। दोस्तों जल्दी से बढ़ते हैं जल्दी से आज के रिज़ल्ट की जानिब और बताते हैं कि आज की वीडियो, आज के टॉपिक, और आज हम आप लोगों को बताएँ कि आज हम कौमी असम्बली के कौन से हल्का इंतखाब, उसकी सियासत और नतीजे आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों आज जो हमारा कौमी असम्बली का हल्का है उसका नाम NA-224 है और 2018 के इंतखाबात से पहले की जाने वाली हल्का बंदियों के मुताबिक अब इस हल्के का नाम NA-229 है। और आप लोग जानते हैं कि ये बदीन का रिवायती तौर पर पहला हल्का है जिसका मैप आप लोग अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। दोस्तों अब जल्दी से बढ़ते हैं नतज की जानब और आप लोगों को बताते हैं कि 2002, 2008 और 2013 के इंतखाबात में कौमी असम्बली के इस हल्का से कौन कौन से उम्मीदवार एक दूसरे के मद मुकाबले इलेक्शन लड़ते रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इल्तमास है कि अगर आप लोग कौमी असम्बली के इस हल्का से ताल्लुक़ रखते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाजमी कमेंट्स लिखें और हमें बताएँ कि आप लोग माजी में कौन कौन सी सियासी जमातों को, कौन कौन से उम्मीदवारों को वोट देते रहे हो, सपोर्ट करते रहे हो और किस तरह का सियासी माहौल, सियासी गहमागहमी और जो है सियासी दर्जा हरारत आप लोग इलेक्शन के दिनों में देखते रहे हो। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाजमी इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स लिखेंगे और हमें शुक्रिया का मौका देंगे। अब जल्दी से बढ़ते हैं नतज की जानब। सबसे पहले इलेक्शन 2002 हल्का NA-224, यहाँ से जो पहले उम्मीदवार मुकाबले में सामने आए उनका नाम मोहम्मद अकरम निज़ामानी था, जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ये इलेक्शन लड़ रहे थे, जबकि इनका मुकाबला हुआ गुलाम अली निज़ामानी के साथ, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस हलका में उम्मीदवार थे। नतज की बात कर लें तो आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अकरम निज़ामानी हासिल कर सके 65,904 वोट, जबकि गुलाम अली निज़ामानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इनके हिस्से में आए 70,231 वोट। तो दोस्तों इस तरह से 5,000 वोटों की बढ़तरी के साथ जो है गुलाम अली निज़ामानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से MNA मुंतखब होकर इस्लामाबाद के पार्लियामान का हिस्सा बने। दोस्तों अब जल्दी से बढ़ते हैं इलेक्शन 2008 की जानेब। हल्का NA-224 बदीनवन, यहाँ से जो पहले उम्मीदवार मुकाबले में सामने आए उनका नाम अली अकबर निज़ामानी था, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की जानब से इस हल्का में उम्मीदवार थे, जबकि इनका मुकाबला हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबका MNA गुलाम अली निज़ामानी के साथ। दोस्तों रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो, दोस्तों के साथ शेयर करते हो और आप लोग हमारी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स भी लिखते हो। इसके साथ साथ हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एड वर्कस का, जिनके ताउन से, जिनके स्पॉन्सर से हम ये वीडियोज़ और काविशें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर्स के एडवर्टाइजमेंट को देखें और उसके फ़ौरन बाद वापस आकर आप लोगों के साथ रिजल्ट को शेयर करते हैं। We have expertise in all kind of election publicity. TV and social media video ads, party and candidates election songs, professional studio for candidates photo shoot. All kind of print media advertisements like party flags, posters, banners, banner flags and many more. Don't hesitate to call at 0300-4684-564। जी दोस्तों वेलकम बैक। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के उम्मीदवार अली अकबर निज़ामानी के हिस्से में आए 37,369 वोट, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम अली निज़ामानी जो थे इन्होंने 87,105 वोट हासिल किए। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा कमोबेश 50,000 वोटों की बढ़तरी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम अली निज़ामानी यहाँ से MNA मुंतखब होकर कौमी असम्बली के जो है यहाँ से रुकन मुंतखब हुए और वो इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस में पहुँचे। दोस्तों अब जल्दी से बढ़ते हैं इलेक्शन 2013 की जानेब और हल्का है NA-224 बदीनवन, यहाँ से जो पहले उम्मीदवार मुकाबले में सामने आए उनका नाम सरदार कमाल खान चांग था, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस हल्का में इलेक्शन लड़ रहे थे। इनका मुकाबला हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के उम्मीदवार अली असगर हल पेटो के साथ। तो दोस्तों रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे सरदार कमाल खान चांग, इन्होंने हासिल किए 1,28,723 वोट, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के उम्मीदवार अली असगर हली पेटो जो थे इन्होंने हासिल किए
56,037 वोट। तो दोस्तों एक दफ़ा फिर से तीसरी मरतबा पलड़ा बारीरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और उनके उम्मीदवार सरदार कमाल खान चांग अपने मद मुकाबले उम्मीदवार की नस्बत जो है तकरीबन 70,000 वोटों की बढ़तरी से यहाँ से कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब होकर जो है इस्लामाबाद के पार्लियामान का हिस्सा बने। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को लाजमी कमेंट्स लिखें। और इसके साथ साथ दोस्तों इस तीर के निशान के नीचे जो आप लोगों को आइकॉन नज़र आ रहा है वहाँ पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर।